ये कार करीब करीब आपको 4 लाख की पड़ेगी। उसने जो कहा वो करीब करीब सच है, हम करीब करीब एक ही उम्र के हैं। पार्टी में करीब करीब 50 लोग थे। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइस? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है करीब करीब। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोर और लेस, मोर और लेस। चलिए इसका कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद इज, आर या फिर विल, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आपको यूज़ कर देनी है मोर और लेस, और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यह कार करीब करीब आपको 4 लाख की पड़ेगी। दिस कार विल कॉस्ट यू 4 लाख्स मोर और लेस। दिस कार विल कॉस्ट यू 4 लाख्स मोर और लेस। पार्टी में करीब करीब 50 लोग थे। देयर वर 50 पीपल मोर और लेस एट द पार्टी। देयर वर 50 पीपल मोर और लेस एट द पार्टी। हम करीब करीब एक ही उम्र के हैं। वी आर मोर और लेस द सेम एज। वी आर मोर और लेस द सेम एज। इस टैंक में करीब करीब 300 गैलन तेल आता है। This tank holds 300 gallons oil more or less. This tank holds 300 gallons oil more or less. इस ट्रक में करीब करीब 100 टन बजरी है। This truck contains more or less 100 tons river sand. This truck contains more or less 100 tons river sand. उसने जो कहा वो करीब करीब सच है। व्हाट शी सेड इज मोर और लेस ट्रू। व्हाट शी सेड इज मोर और लेस ट्रू।